रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से बेसन की जो बर्फ़ी है वो तैयार करेंगे। तो बनाना तो बहुत ही आसान है, इतनी मज़े की लगती है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो माशाल्लाह से ये देखें कितनी नरम और कितनी मज़े की ये लग रही है। तो हाँ जी, चलते हैं वीडियो की तरफ और ये मज़ेदार सी जो बर्फ़ी है तैयार करते हैं। माशाल्लाह से ये देखें, बिल्कुल आप बाज़ार की तरह ऐसे लगेगा जैसे हम खोए वाली बर्फ़ी खा रहे हैं। इतनी टेस्टी और इतना ज़्यादा इसका टेस्ट है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और ये मज़ेदार सी बर्फ़ी तैयार करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो ये ले लिया, इसे मैंने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया। तो अब जो हमारे पास है बेसन, मैंने एक कप लिया। तो बेसन को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे देसी घी के अंदर। अगर आपके पास आटा घी है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आग नीचे से जो थी मैंने कम रखी हुई है, तेज़ आग करेंगे तो ये जो हमारा बेसन है ये जल जाएगा, तो अच्छे तरीके से भुनेगा भी नहीं। तो हमने इसे तब तक भूनना जब तक इसके अंदर से अच्छी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो हाँ जी, हमारा जो बेसन अच्छे तरीके से भुनना तैयार हो चुका है। तो हमने कोई इसके अंदर और घी नहीं ऐड किया, जो एक कप हमने ऐड किया था वही किया, और एक कप हमने मैदा लिया था, सॉरी बेसन लिया था। अच्छे तरीके से बेसन को भून लेंगे हम घी के अंदर। उसके बाद आप चाहे तो इसके अंदर ऐसे भी चीनी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप चीनी की चाशनी भी तैयार करके ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। और ये देखें माशाल्लाह से ये बबल बनने शुरू हो चुके हैं। तो बेसन हमारा अच्छे तरीके से भून चुका, तो अब हम चीनी इसके अंदर ऐसे ही ऐड करेंगे। अब तो नीचे से हमने आग जो बहुत ज़्यादा कम रखनी है, जैसे हम चावलों के नीचे दम रखते हैं इस तरह हमने आग नीचे से रखनी है। तो हाँ जी, ये देखें बबल बनना शुरू हो चुके हैं। तो चीनी जो है हम ऐड कर देंगे, आधा कप हमने चीनी ऐड की है, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। चीनी के साथ भी हम इसे दोबारा से भूनेंगे अच्छे तरीके से। माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो पूरी इलायची पीस के भी ऐड कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मेरे पास इलायची है, मैं वही ऐड करूंगी। तो हाँ जी, दो मैंने इलायचियाँ ली थी, उनके जो दाने हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है, से अलग कर लिए। अच्छे तरीके से हम इसे भूनेंगे जब तक ये घी ना छोड़ दे, तब तक हमने इसे भूनते रहना है। तो हाँ जी, चीनी भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है और ये माशाल्लाह से तैयार हो गई है हमारी बेसन की बर्फी, ठीक है। तो अब हम नीचे से चूल्हे को ऑफ करते हैं, माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू भी आ रही है। तो इसे ठंडा करते हैं। तो माशाल्लाह से कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो हाँ जी, इसके नीचे जो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, थोड़े से हम इसके अंदर पर जो थोड़े से पिस्ते बताऊँ वो लगा देंगे। तो ये देखें इस तरह तैयार हो चुका है, इसे हम ऐड कर देंगे। अभी थोड़ा सा ये गर्म है, ठंडा नहीं हुआ अभी अच्छे तरीके से।
तो वहाँ भी थोड़ी देर हम ठंडा करने के लिए इसे रख देंगे, और थोड़े से हम बादाम मिला लेंगे इसके ऊपर। तो इसे हम ठंडा करते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय। मेरी मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।